बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और इस पे सरकार जो है कहीं कोई संज्ञान नहीं लेती, तो हम तो लगातार इन बातों को उठाते हैं। कई घटना स्थलों पर हम खुद स्वयं गए हैं। इन लोगों से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अभी कहाँ बैठे हुए अपराधी? कई ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि भाजपा नेता या इनके साथ बैठे हुए लोग हैं। कई बार तो हम लोगों ने फोटो भी सार्वजनिक किया है। ये बालिका गृह वाले कौन थे भाई? सृजन घोटाले वाले कौन लोग? किनके साथ बैठ के मौज मस्ती करते थे? क्या होता था? इतने अपराधी जो है सीएम हाउस में बैठे जिसका तस्वीर हमने जारी की। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि हमने मुख्यमंत्री आवास में बैठे अपराधियों का तस्वीर भी कई बार शेयर किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में एक यानी कि एक अन्य मार्ग में अपराधी बैठते हैं, सृजन घोटाले वाले हो या मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड वाले हो। तमाम ऐसे अपराधियों का हमने तस्वीर भी साझा किया है। ये लोग सिर्फ कहानी बनाते हैं कि हम लोग और हमारे माता पिता के शासनकाल में अपराधी एक अन्य मार्ग में बैठते थे, राबड़ी आवास में बैठते थे। लेकिन इसके साथ ही कह रहे हैं कि बिहार में जो अपराध हो रहा है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप उनके बयानों को सुने। नमस्कार, मैं हूँ धीरज शर्मा और आप हमेशा जारी करते हैं, तो आप देखते होंगे कहाँ कहाँ घटना हुई है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और इस पे सरकार जो है कहीं कोई संज्ञान नहीं लेती। कोई पूछने वाला भी नहीं है। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं कोई जाता भी नहीं है। तो हम तो लगातार इन बातों को उठाते हैं। कई घटना स्थलों पर हम खुद स्वयं गए हैं, अधिकारियों से भी बात किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो हम तो शुरू दिन से कहते रहे कि इन लोगों से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन जीतेंद्र मांझी कह रहे हैं कि 2005 के पहले सीएम आवास से आरक्षण दिया जाता था अपराधियों को। बेकार की बात है, कहानी है, क्या है सबूत, क्या है ये सब खाली इधर का उधर इधर का। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग कोरोना ने आए हैं, क्यों नहीं आप जो है बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं? अभी कहाँ बैठे हुए अपराधी? कई ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि भाजपा नेता या इनके साथ बैठे हुए लोग हैं। कई बार तो हम लोगों ने फोटो भी सार्वजनिक किया है। ये बालिका गृह वाले कौन थे भाई? सृजन घोटाले वाले कौन लोग? किनके साथ बैठ के मौज मस्ती करते थे? क्या होता था? कितने अपराधी जो है सीएम हाउस में बैठे जिसका तस्वीर हमने जारी किया था? तो ये सब बेकार की बातें हैं। उनको कुछ बोलने को है क्या? खैर जो भी बात है, लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति है भयावह हो चुकी है। बैठक है हम लोगों का, पार्टी का बैठक ही तो चलता रहे। तो अपने साफ तौर पर सुना, तेजस्वी यादव अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है और बताया है कि एक अन्य मार्ग में कैसे अपराधी को बैठाया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग की जो तस्वीर है वो कई बार तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। बिहार में अपराधी घटनाएं हो रही हैं, तेजस्वी यादव वहां पहुंच भी रहे हैं, अधिकारी से बात भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों में बने रहे, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।